सी के हमारे में कॉन्स्टिट्य 16,000 वोट्स आर डिलीटेड वी, माई पार्टी वर्कर्स एंड लीडर्स आर टेक इट वेरी सीरियसली नंबर वन वाई देव डिलीटेड वू आर बी एन एंड हाउ डिड दे डिलीट विल बी चेक सेपरेटली अवर कैडर्स विल गो प्रति डोर टू डोर एवरी हाउसेस एंड रीवेरीफाई दर वोटर लिस्ट क्या हुआ सर क्यों वजह क्या है इतनी? अभी इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइंस इंटर मिस इंटरप्र बाई लोकल ऑफिसर्स एक एक पोलिंग ऑफिसर कौन घर घर कर जाता है उनको कैसे सोचता है वैसे एक्शन लेता है अभी इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है हर आदमी अठारह साल उनका कंप्लीट हुआ है उनका मतदान हक देना है वो क्रमगोलने का ड्यूटी इलेक्शन कमीशन का ये वोट निकालने का ड्यूटी नहीं है कि एक आदमी एक जगह पर वोट करना ये प्राइवेटाइजेशन की बात की जाए अभी क्या होता है पॉलिटिकल ऑफिसर जाता है ना उधर जाएंगे तो मेरे बहन है वो अभी शादी करके दूसरी जगह गया था उनको वोट इधर है उधर ही नहीं है उनके परमिशन कट करते इधर नहीं है बोलते कट कर डिलीट है, करते हैं पोलिट ऑफिसर अमर भाई वो फॉरन में काम कर रहा है इलेक्शन टाइम आता है घर के वो क्या बोलते हैं वो, नहीं है, है, है. इधर, है, वो इधर नहीं है फॉरेन में है उनको कट करते हैं मेरा घर इधर है मेरे काम बेंगलुरु में करता हूँ वो बैंगलो इधर नहीं है बेंगलुरु तो उनको बेंगलुरु में भी वोट नहीं है उधर भी वोट उनको मिस होता है इसीलिए ये सब हम, हम इलेक्शन कमीशन को अभी हम कंप्लेंट भी किया है ये हमारा एक प्रॉब्लम है इसीलिए इस कौन है इस पूरे ए, अभी बेंगलोर बीपीएमपी में बेंगलोर बीपीएमपी में क्या हुआ एक एनजीओ जी में ये एक प्राइवेट एनजीओ है कनेक्टेड टू द बीजेपी लीडर्स एक एप्लीकेशन देता है बीबीएमपी में क्या है एंटायर बीबीएमपी का वोटर लिस्ट हम वेरिफिकेशन करेंगे हम डिलीशन का रिकमेंड करेंगे एडिशन का रिकमेंड करेंगे हम उनको मुझे परमिशन चाहिए बीबीएमपी राइट नहीं है उनको परमिशन देने के लिए कि वो इलेक्शन कमीशन का इंचार्ज है ना मगर बीबीएमपी उनको परमिशन देता है इसीलिए हम बोलते हैं चीफ मिनिस्टर एंड बीजेपी मिनिस्टर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व किसका प्रेशर में बीबीएमपी उनको परमिशन दे दिया वो एन जी बड़े भले परमिशन लेकर उसको वेरी वेरीफाई में करने का नहीं उनका कौन काम कर रहा है ये पोलिंग ऑफिसर जैसे बैज बनाया गवर्नमेंट का घर के चार पूता है उधर और उनका वोटर ये इनोसेंट पीपल है मुग्ध हम लोग हैं उनको मालूम नहीं कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और कौन एन कौन इलेक्शन कमीशन पोलिंग ऑफिसर ऑफिसरते वो ने तो ए, उनका वोट आई डी देता है उनको ओपिनियन देता है थोड़ा कट होता है इसीलिए फ्रॉड और चीटिंग भी होता है इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट डी के शिव कुमार सी एल पी लीडर सिद्धाराम हमारा ए सी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी सुरजे के सूचन पर आज कंप्लेंट किया है एक्शन लेने के लिए वो इंक्वायरी हो रहा है एक्चुअली ऑफिस भी अभी लॉक हुआ है इंक्वायरी होने के बाद उनको मालूम पड़ता उनका उद्देश्य क्या था क्यों ऐसे कर दिया वो न्यूट्रल और, और फेयर एंड फेयर इंक्वायरी होने के वो कांग्रेस का डिमांड है पब्लिक के लिए क्या है अपील है मैं पब्लिक के लिए बोलता हूँ अमर संपूर्ण हमारे जीवन पर इक्वालिटी समानता एक ही चीज में है वो वोटिंग राइट में कितना अमीर को भी एक ही होटें कितना फ़कीर छोटा फ़कीर भी एक ही वोट है दूसरा किधर भी हमको इक्वालिटी नहीं है ये वेरी वैल्यूबल राइट है इसीलिए आप हमारे घर को कौन आता है कौन एनरोल करते है उनको वेट मत करो आपको घर के पास किधर आप वोट डालने के जाते हैं ना घर के पास ही है वो वॉकिंग डिस्टेंस में उधर पोलिंग ऑफिसर है उनके पास वोटर लिस्ट है वो वोट देख लेके आपका नाम है या नहीं खट हुआ है आपका नाम नहीं है तो प्लीज़ आपका नाम इंक्लूड करो उधर और कोई एटीन ईयर्स को कंप्लीट होता है मार्च तक उनको भी वोटिंग राइट है उनके एनरोलमेंट करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट करो ओके okay. सभी प्रॉब्लम को सॉल्व होता है okay, आखिर में जो है ये बात और भी... और एडिशन और डिलीशन को आधार का नहीं है सर आखिर में एक बात ये माइनॉरिटीज एरियाज के वोट ज़्यादातर डिलीट हुए हैं ये बात कही जा रही है क्या आप इस बात से देखो हमारा उद्देश्य क्या है अमर देश का अमर समाज का हर आदमी एटीन एज कौन होता है उनको सभी को वोट मिलना इधर कांग्रेस कौंग, बीजेपी जनता दल इधर माइनॉरिटीज मेजोरिटीज बैकवर्ड दलित वो प्रश्न नहीं है किसी को भी हर आदमी को फुलफिल होता है उनको मतदान हक करने का क्रम सरकार इलेक्शन कमीशन करना देखिए ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप लोगों की नजर में लाया है एक बहुत गंभीर मसला है ये एक जो वोट डालते हैं एक बुनियादी हक है कोई भी क्यों ना हो हर शहरी का बुनियादी हक है वोट डालना और बीजेपी गवर्नमेंट की एक साजिश जो एनजीओस संघ परिवार के आइडियोलॉजी और बीजेपी के मंत्रियों के करीब है उसके जरिए से बहुत बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी करने का काम इन्होंने शुरू किया है जिस बूथों पर जिस इलाकों में बीजेपी को वोट नहीं मिलता अपोजिशन पार्टीज को वोट मिलता है और खास तौर से कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है ऐसे इलाकों में जाकर के निशानदेही करके एक ऐसा ये तैयार करना जिससे कई हजार वोट को डिलीट किया जा सकता है वोट जमाना और डिलीट करने की जिम्मेवारी बूथ लेवल ऑफिसर्स को होती है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं लेकिन एनजीओ ने जो नाम निहाद एनजीओ है वो कोई एनजीओ नहीं है इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी है वो। इन्होंने जो नौजवानों को लिया था इस काम के लिए उनको झूठा बी का सरकारी कार्ड बना करके हुकूमत ने दिया ताकि जब लोगों के पास जाएं तो लोगों में एतमाद लोगों का हासिल कर सकें उनका पर्सनल डाटा उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन ले सकें आपका आधार क्या है नंबर क्या है आपका वोटर आईडी नंबर क्या है कितने वोट हैं आपका ईमेल आईडी क्या है आपका फ़ोन नंबर क्या है आप कौन सी जात के हैं आप कौन से धर्म के हैं आप कौन से मज़हब से हैं क्या है कितने हैं कितने नहीं ये सब डाटा आज जो है डाटा का बहुत बड़ा बिजनेस है डाटा बहुत बड़ा पावर है डाटा के जरिए से बहुत सारी चीजें किए जा सकती हैं। तो ऐसा डाटा इकट्ठा करना एक तरफ दूसरा ऐसे बूथों में निशानदेही करना कि किसका नाम डिलीट करना है कैसे उसको डिलीट करना है तो ये जो काम किया गया ये सीधा सीधा जमहूरियत के पीठ में छुरा भोकने का काम बीजेपी ने किया है और लोगों का हक छीनकर वोट चोरी करने का काम बीजेपी ने किया है और डाटा जो कलेक्ट किया गया वो एक प्राइवेट ऐप में डालकर डिजिटल समीक्षा में उसको बीजेपी के कैंडिडेट्स को देकर के उनके फायदे के लिए काम करवाने का जो की साजिश जो रची गई जिसमें फ्रॉड किया गया सरकारी नौकरों का सरकारी ऑफिसर्स का कार्ड प्रिंट करवा करके किसी आयरे गैरे नथु खरे को वो कार्ड दे करके लोगों के बीच भेजा गया ये सरकार ने लोगों के ऊपर फ्रॉड किया है तो ये हमने आज बात की है कि जो लोगों का खास तौर से लाइक शिवाजी नगर कॉन्स्टिटन्सी जो मेरी मेरा जहां पे मैं नुमाइंदा हूं यहां पे तकरीबन बीस हजार वोट कम करने की साजिश की गई थी और जिन बूथों में साजिश की गई वहां पर बीजेपी को वोट नहीं गिरता है तो एक तरफ होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है कि एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को जल्द से जल्द शुरू किया जाए का काम शुरू किया जाए दूसरी तरफ आप बीस हजार तक के तक वोटर लिस्ट में नाम निकाल देंगे तो वोट एक आइडेंटिटी है हमारी पहचान है हमारा हक है एक तरफ आपका नाम उसमें नहीं रहेगा दूसरी तरफ आप नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पे आप एन एनआरसी लाने के लिए जो एनपीआर का काम चलना है वो आप शुरू करने के लिए होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दिए रिपोर्ट डाली है तो कल हम साबित कैसे करेंगे कि हम यहाँ के शहरी एक तो हमारा हक आप छीन रहे हो वोट की चोरी कर रहे हो हमारे नुमाइंदों को हम जिनको जितवाना चाहते हैं उससे हमको महरूम कर रहे हो दूसरा एनपीआर सी एनआरसी लाने के लिए होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आ रही है तो ये तालमेल नहीं है क्या एक तो आप चुनाव भी गैर कानूनी तरीके से जीत जाओ वैसे तो आप 40 परसेंट की हुकूमत हो ये सबको जान सब जानते हैं तो आप को वोट नहीं मिलने वाला है तो आप मैनिपुलेशन करके हेराफेरी करके आप वोटर लिस्ट में जीतना चाहते हैं दूसरी तरफ उन लोगों का अगर नाम नहीं है वोटर लिस्ट में कल एनपीआर में उसका असर होने वाला है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा तो यह जो आ, खुलासा किया गया है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया है जो गवर्नमेंट ऑर्डर निकला था एक एनजीओ के नाम पर वो हमने सबमिट किया है आज वो गवर्नमेंट ऑर्डर को रद्द कर दिया गया गवर्नमेंट ने पहले बनाया क्यों था दिया क्यों था उनको ऑर्डर रद्द कैसे किया वोटर लिस्ट में नाम लगाना और जोड़ना और निकालना इसकी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी की सरकारी ऑफिसर की होती है बूथ लेवल ऑफिसर की होती है कोई आयरे गैरे की नहीं होती तो आयरे गैरों को यह पावर किसने दिया किसने उनको कार्ड छाप के दिए सरकारी सील के साथ ये फ्रॉड कितने दिन से चल रहा है तो इसका पर्दा हमने पास किया इसमें न्यूज मिनट जो पोर्टल है और प्रतिध्वनि जो न्यूज एजेंसी है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है और हमने क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज की है सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट से हमने इंक्वायरी मांगी है और और उम इस मामले को आखिरी तह तक ले जाने का हमारा पूरा मंशा है आवाम को हम इतना कहेंगे कि कोई भी सरकारी कार्ड लेकर आ जाए तो नहीं माने लोकल जो आपके नुमाइंदे हैं लीडर्स हैं उनसे राबिता कायम करें पर्सनल इंफॉर्मेशन ना दें वोटर लिस्ट में नाम अगर डिलीट करना है आपको शक है तो आ, उन लोगों से राबिता करें जो आपकी मदद कर सकते हैं इतना बड़ा काम हो रहा था तो रियासती स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था तो पता नहीं? नहीं मेरे ख्याल से ए, मैं वो कमेंट आज नहीं करना चाहूंगा लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा था और इलेक्शन कमीशन सो रहा था यह अफसोस की बात